guys, this is Nitesh Kai Sharma, welcomes you to our YouTube channel. So guys, आज का जो मेरा वीडियो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है. आजकल हम सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा कम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी. तो सर आप जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसमें आपको मल्टीप्लाई अगर आपको कोई बड़ा नंबर आ गया, अगर आपको उसको 5 से या 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, जैसे कि मिनिमम 30 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स लग सकते हैं आपको उसको मल्टीप्लीकेशन करने में. तो उसको आप इजिएस्ट वे में कैसे कर सकते हैं, विद इन 2 सेकेंड्स आप उसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं. सो गाइज, अगर आप हमारी ये वीडियो देखेंगे एंड तक तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप 5 से और 15 से मल्टीप्लीकेशन फास्टेस्ट कैसे कर सकते हैं. सो गाइज, मल्टीप्लीकेशन विद 5. सो गाइज, मेरे पास ये दो नंबर हैं जैसे कि आप देख रहे हैं 2648. मेरे को इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो गाइज, इसकी सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक है, आप 2 सेकेंड इसके अंदर आंसर निकाल सकते हैं. गाइज, जो ये 2648 है इसको सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए 2 से. तो जो डिवाइड करने के बाद 2 से आंसर बचेगा वो हमारे पास बचेगा ये, और लास्ट में आपने एक जीरो लगा देनी. ये आपका मल्टीप्लाई बाय 5 के बाद आंसर आपको मिल जाएगा. तो क्या मेरा क्या काम है आपको क्या बताया, जैसे कि हम एक अदर एग्जांपल लेते हैं 8512. सो गाइस, इसको मल्टीप्लाई करना है विद 5. सो गाइस, हमारे पास ये था नंबर, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो इसको जब मैं 2 से डिवाइड दूंगा 8512 को, तो मेरे पास कितना बचेगा 4456. लास्ट में एक जीरो लगा दूंगा. सो गाइस, ये मेरा आंसर आ जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करके. देखिए मेरे को सिर्फ 2 सेकेंड्स लगेंगे इसका आंसर फाइंड आउट करने में, किसी भी नंबर का 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के अंदर. और गाइस, मैं आपको इसका एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ. देखो गाइस, मेरे को कितना टाइम लगेगा अगर मैं इसको करता हूँ. और यहाँ गाइस आपको डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा. तो ये जो मेथड है ये 100% एक्यूरेट है, 100% सिक्योर है. और गाइस, अब जो है हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय. सो गाइज, ये जो है मल्टीप्लीकेशन विद 15. सो गाइज, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा गाइज. जैसे कि हमारे पास एक, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 66 × 15. अब जब आपके पास ये दो नंबर होंगे तो सबसे पहले जो ये वाला जो नंबर है इसको एज इट इज रखिए, प्लस इसका डिविडेंड बाय 2. इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 33. तो 33 और 66 और बनने हैं मेरे पास 99, और अगर आप 10. सो जो 66 × 15 है वो मेरे पास कितना बन गया 990. तो गाइस, अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. कहने का मतलब, अगर आप इसको ए लेते हो और इसको बी लेते हो तो ए प्लस बी बाय 2 और प्लस में 10 आपको अपने आप से एक लगानी पड़ेगी और आप इसको लिख दोगे एक तरह से. इधर लिख देते हैं ए बी की हाफ वैल्यू और साथ साथ में 0, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी. सो गाइस, मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 248 का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और 15 का एग्जांपल ले रहा हूँ. सो गाइस, 248 और 15, 248 को मैं प्लस कर दे रहा हूँ और 124 से प्लस करके जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 372 और साथ में 0. सो गाइस, अगर आप इसको 15 से करने बैठते तो आपको गाइस बहुत टाइम लगता, बट अगर आप मेरी इस वाली ट्रिक से करोगे तो आपको विद इन 5 सेकेंड्स आपका आंसर इसमें निकल सकता है. एंड अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 2 सेकेंड्स के अंदर निकल जाएगा. और ये तरीका 100% एक्यूरेट है, करेक्ट है. सो गाइस, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है गाइस, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें नए नए आइडियाज़ दीजिए. और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं. हमारी फेसबुक आईडी का नेम है नितेश काय शर्मा एंड यशस्वी वर्मा. सो गाइस, आप हमारे साथ वहाँ पे चैट भी कर सकते हैं, और हमारी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और अपने फ्रेंड्स के अमंग भी ये शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, ताकि वो भी हमारी अमेजिंग वीडियोज़ को देख पाएँ. और गाइस,
अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट ए टेबल, कोई सा भी टेबल हो आपको, वो आप विद इन इन 5 मिनट या विद इन इन 10 सेकेंड या 20 सेकेंड आप लिख सकते हो। चाहे कितना भी बड़ा टेबल हो गाइज, आप उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हो।